हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत। वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज का लेसन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। मैंने ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट बनाया है। एक इंटरव्यूअर फेस टू फेस या ओवर कॉल जो भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं या इसमें दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो मेक श्योर आपको इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आप इंटरव्यू क्रैक करके ही रहेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा इंटरव्यूअर फेस टू फेस या ओवर कॉल पूछता है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज? आप जॉब चेंज करना क्यों चाहते हैं? Why do you need this job? आपको इस जॉब की ज़रूरत क्यों है? या फिर Why did you leave the previous job? आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी? आप इसका एक ही आंसर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मेरी करंट जॉब से मुझे मेरे करियर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा और मैंने बहुत कुछ सीखा जो मेरे आगे आने वाले करियर में काम आ सकता है। मैंने काफ़ी हद तक ज़रूरी स्किल्स को सीखा और मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कैसे करना है इसका भी पता चला। अगर मुझे आपकी कंपनी में वर्क करने का चांस मिलता है तो मुझे मेरे प्रोफेशनल करियर में एक स्ट्रॉन्ग भूमिका तैयार करने में मदद मिलेगी। इसी बात को आप इंग्लिश में कहेंगे, माई प्रेजेंट जॉब हैज़ शोन मी द पाथ टू मूव एंड अटेन वॉट हैज़ बीन माई लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव। आई हैव एक्वायर्ड नेसेसरी स्किल्स टू सम एक्सटेंट एज वेल एज हैव गॉट अकस्टम्ड टू द कॉर्पोरेट वे ऑफ वर्किंग। नाउ इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दिस कैन हेल्प मी सेट अप अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल लाइफ फाउंडेशन एंड इवेंचुअली बिल्ड अपॉन इट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स टाइम? अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, एक टीचर हैं, एक शेफ हैं या फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं, तब आप कह सकते हैं, मैं अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहूँगा और अगले 5 सालों में अपने काम की ज़्यादा से ज़्यादा समझ लेना चाहूँगा या अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहूँगा, ताकि मैं आपकी कंपनी में, आपके स्कूल में या आपके होटल में एक स्किलफुल मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकूँ, एक स्किलफुल टीचर बन सकूँ या एक स्किलफुल शेफ बन सकूँ। आप कह सकते हैं कि मैं कोशिश करूँगा मुझे ऐसे अवसर मिलते रहें जिनमें मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ें और मुझे मेरी स्किल्स को बढ़ाने का मेरा उद्देश्य पूरा होता रहे। एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, एज अ टीचर, एज अ शेफ, एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, यू कैन से आई वॉन्ट टू डेवलप माई स्किल सेट। At the end of the next 5 years, I want to have a better understanding about all areas of my work. So my long-term goal is to become a skillful marketing professional within your company. I will be looking for opportunities to expand my responsibilities within this role to work towards my goal. अगर आपके माइंड में ये डिसाइडेड नहीं है कि अगले 5 सालों में आपके क्या प्लान्स हैं, तो आप इसको ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे माइंड में अभी कोई फिक्स रोल डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अगले 5 सालों में मैं ऐसी जगह पर होना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे मेरी काबिलियत का पता चले या कुछ अलग लगे। सबसे पहले मैं अपने रोल या अपनी प्रेजेंट जॉब के बारे में सब कुछ सीखना चाहता हूँ और अपनी स्किल्स, अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे मेरी काबिलियत के बल पर वो पोजीशन मिल सके जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे ये रोल मिला, अपनी टीम और अपनी प्रोसेस को जानने का मौका मिला, आगे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने का मौका मिलेगा। Now you can say I don't have a precise role in mind, but my aim over the next 5 years is to be at a place where I can make difference. I want to learn all that I can about this role first and advance my skills to earn that kind of position. I am happy to start in this role and get to know the team and process well, and then start to have more responsibilities. Interviewer ka next question ho sakta hai, what is your greatest strength? What is your greatest strength? Aapki greatest strength kya hai? It's important to be prepared for this question during interview and have a statement ready. When the time comes to answer this question, you will need to be very specific. अपनी स्ट्रेंथ को इंटरव्यू में बताने से पहले आपको इस क्वेश्चन को पहले से तैयार करके रखना है, ताकि जब आपसे पूछा जाए और आप एकदम से बता सकें। आप कह सकते हैं कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी राइटिंग स्किल है। जब भी मुझ पर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, तब मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ और डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। किसी भी मुश्किल को मैं बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व करना जानती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप ये भी कहेंगे, मैं किसी भी सिचुएशन को अलग अलग तरह से हैंडल करना जानती हूँ, जिससे कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में अपना वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी की वजह से मैं एक अच्छी कम्युनिकेटर भी हूँ। मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से किसी भी इशू को, किसी भी मुद्दे को अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, उसी की वजह से मेरी टीम में एक अच्छी जगह है। इसी बात को आप इंग्लिश में कहेंगे, My greatest strength is my writing skills. I work well under pressure and I have never missed a deadline. I believe
that my greatest strength is the ability to solve problems quickly and efficiently. I can see any given situation from multiple perspectives, which makes me uniquely qualified to complete my work even under challenging conditions. That problem solving allows me to be a better communicator. I think my ability to see all sides of an issue will make me a great asset to the team. अब आपने अपनी स्ट्रेंथ तो बता दी, अब आप बताएंगे अपनी वीकनेसेस के बारे में, अपनी कमी के बारे में. What do you say when you are asked to describe your greatest weaknesses? After all, you will seem arrogant if you say that you don't have any flaws. अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप में क्या कमी है, क्या वीकनेसेस है, और आप इसका आंसर नहीं देते और आप कहते हैं कि मुझ में कोई भी कमी नहीं है, तब आप एरोगेंट और रूड साउंड कर सकते हैं. जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप में क्या कमी है, क्या वीकनेसेस है, तो इसेंशियल है कि आप वही वर्ड्स, वही एट्रीब्यूट और वही विशेषताएं सेलेक्ट करें जिससे पता चले कि यू आर टेकिंग टू टर्न डैट वीकनेसेस इनटू अ स्ट्रेंथ. मतलब कि आप अपनी कमजोरी को भी ऐसे दिखाएं जैसे उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं. आप अपनी वीकनेसेस बताते हुए कहेंगे कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब भी मुझसे कोई अपने काम के लिए हेल्प मांगता है या अपने काम के लिए रिक्वेस्ट करता है तो मुझसे ना नहीं कहा जाता, जिससे मेरा बहुत काम बढ़ जाता है और अब मैंने अपने वर्क को अपने वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग मैनेज करना सीख लिया है. नाउ यू कैन से माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज डैट आई समटाइम्स हैव ट्रबल सेइंग नो टू रिक्वेस्ट एंड एंड अप टेकिंग ऑन मोर देन आई कैन हैंडल. टू हेल्प माई सेल्फ इम्प्रूव इन दिस एरिया वॉट आई डिड, आई प्लान्ड एंड मैनेज्ड माई वर्किंग आवर्स अकॉर्डिंग टू माई वर्क. हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस. इंटरव्यूअर आपसे हमेशा पूछता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. आप कहेंगे मेरी जो सैलरी रेंज है वो नेगोशिएबल है, फ्लेक्सिबल है. मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मुझे मेरे पहले एक्सपीरियंस के बेस पर इंक्रीमेंट या हाइक मिले. आप कहेंगे हालांकि मैं अपनी सैलरी के बारे में खुलकर बात करूँगा जब मुझे मेरी पोजीशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाएंगी. इसी बात को आप इंग्लिश में कहेंगे माई सैलरी रेंज इज फ्लेक्सिबल. आई वुड ऑफ कोर्स लाइक टू बी कंपेंसेटेड फेयरली फॉर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस. However, I am open to discussing specific numbers once we have discussed the details of the position. Or you can say, my salary requirements are flexible. I look forward to discussing in more detail what my responsibilities at this company would be. From there, we can determine a fair salary for the position. ये थे इंटरव्यू से रिलेटेड 5 questions जो हर इंटरव्यू में face to face या over call पूछे जाते हैं. आज का लेसन यही खत्म हुआ. Now it's your turn. You will learn this lesson and crack your interview. और मैं मिलूंगी अपने इंटरेस्टिंग लेसन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep learning English, keep practicing English. Bye-bye.